We want justice. We want justice. मैं रशीदे में त्राल से रहने वाला हूँ और हमारा मसला ये है कि जेके बोपी ने जो बीएससी नर्सिंग के जो काउंसलिंग दो राउंड कंडक्ट किए काटा पर उन्होंने बिल्कुल डिक्रीज नहीं किया। कल तक हम जब देख रहे थे तो 1000 प्लस सीट्स वैकेंट रही। कल मैं जो के बोपी आज गया वहाँ मैंने देखा 250 एस्पेरेंट्स वहाँ पर आए थे जिन्होंने काउंसलिंग की थी। उसके बावजूद जब मैंने कैलकुलेट किया तो 850 प्लस सीट्स वैकेंट रहती है। वो हमारे कश्मीर में क्यों सीटें ज़ाया होंगी जबकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। अब हम बाहर एडमिशन नहीं ले सकते हैं। बाहर के जो जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पे फरवरी में उनका फर्स्ट सेमेस्टर जा रहा है और यहाँ पर एडमिशन भी अभी नहीं हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि 31 दिसंबर लास्ट डेट आईएनसी ने दिया है एडमिशन के लिए। हमारा मकसद ये है कि 31 तक हमारी काउंसलिंग हो जाए। उसके बाद नहीं हो सकता है। वो खुद ही बोल रहे हैं कि 0% चांस है थर्ड राउंड की। जो भी होगा आईएनसी नहीं, उनका उन्होंने स्पेशली दिया है। मेहमान को एक बार स्पेशली देते हैं, बार बार नहीं देते हैं। उन्होंने एक बार उनको दिया है एक्सटेंशन, अब वो नहीं देंगे। जो भी होगा 31 तक होगा। ये हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। हमारा यही है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, सिटे लाएंगे सब पे। तो लास्ट ऑप्शन यही है ना हमारे पास। सब 850 सीट्स क्यों जाया होंगी हमारे कश्मीर में। और हमें कल नोटिफिकेशन आई जो कैंडिडेट्स बच गए हैं उनके लिए 850 अबोव सीट्स अवेलेबल है, तो वो बोपी ऑफिस आए और उनके लिए कुछ सोचा जाएगा। जब हम वहाँ पे आए उन्होंने धक्के मारे उनको और बोला कि जैसे सेकंड राउंड के लिए प्रोटेस्ट किया गया आप वैसे करो। लेकिन हम डायरेक्टली यहाँ पे आ गए, हमने सोचा जो होगा सो होगा, यहीं पे होगा हमारा फ्यूचर जो है, जो तो हम यहीं पे बचा सकते अपने फ्यूचर को। तो हम ये चाहते हैं कि जो कट ऑफ है वो डिक्रीज किया जाएगा और जो ये 850 प्लस अबोव सीट्स अवेलेबल है उनको कंट्रीब्यूट किया जाएगा। कोई हम भी कुछ है, कुछ बच्चों हम भी ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसी सीट्स मिले कि जो प्राइवेट हो तो हम कुछ कर सकते हैं उसमें, तो हमारा फ्यूचर भी सेव हो जाए। हमारी लास्ट मांग ये है कि जो टोटल सीट्स अवेलेबल है डिक्रीज किया जाए वो कट ऑफ, और जो सीट्स है वो उनको कंट्रीब्यूट किया जाए।